एमजी के बाद टोयोटा और होंडा ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है, लेकिन बहुत से सार्फीन इसे आटे में नमक या ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। क्या होंडा और टोयोटा की सेडान कार्स पर 1 से 1.25 लाख रुपए कमी का ऐलान जस्टिफाइड है और एसयूवीज पर 9 से 13 लाख रुपए कमी का ऐलान सार्फीन के लिए किस हद तक रिलीफ हो सकता है आने वाले दिनों में? वॉशी इंडिकेटर्स क्या बताते हैं, गाड़ियों की कीमतें नीचे आएंगी या ऊपर जाएंगी? इस वीलॉग में हम कंपैरिजन भी करेंगे पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ, और दो बड़े अहम फैक्टर्स जो पाकिस्तान में गैर मामूली कीमतों का बायस हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं रुखशान मीर। गाड़ी के शौकीन अफराद के लिए बहुत तवील अरसे के बाद चंद अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। एमजी के बाद टोयोटा और अब होंडा ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। बहुत से सार्फीन ये शिकवा कर रहे हैं कि ये कमी आटे में नमक या फिर ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है, क्योंकि जब डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा था तो इन्हीं गाड़ियों पर 15 से 20 लाख रुपया बढ़ा दिया गया, और अब जब डॉलर नीचे आ रहा है तो इन्हीं गाड़ियों पर 1 से 3 लाख रुपए कमी कोई खास फर्क नहीं है। मैं आज के इस वीलॉग में ताजा तरीन कीमतें तो आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपको यह भी बताना है कि आने वाले चंद हफ्ते और महीने क्या मजीद अच्छी खबरें लेकर आएंगे या दोबारा से इन गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। और हम इस वीलॉग में कंपेरिजन करेंगे पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर का और इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, कितना मेजर फर्क है, और अगर चंद गलतियां ना की जाएं या अगर कुछ पॉलिसी को रिवाइज किया जाए तो शायद पाकिस्तानी सार्फीन को भी कम कीमत में गाड़ियां मिल सकती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले एमजी ने कीमतें कम की और उसके बाद टोयोटा ने 1 से लेकर 13 लाख रुपए तक अपनी गाड़ियों के मुख्तलिफ मॉडल्स पर कीमतों में कमी का ऐलान किया। मिसाल के तौर पर जो सेडान कार्स हैं टोयोटा की, जिसमें यारिस 1.3 मैनुअल ट्रांसमिशन है, सीवीटी है, और फिर जो इसका टॉप वेरिएंट है उसमें 1 लाख से लेकर 1.25 लाख रुपए तक कमी का ऐलान किया गया। अब सिर्फ यारिस के अगर आप देखें तो 7 से 8 वेरिएंट्स हैं। 1.6 फिर जब हम टोयोटा कोरोला जीएलआई पर जाते हैं तो उसमें भी 1.25 लाख से लेकर 2 लाख 50 हजार रुपए तक कमी का ऐलान किया गया। और जो रेवो है उसमें 4.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख 90 हजार रुपए तक कमी का ऐलान किया गया। और फिर जो फॉर्चूनर के मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं उनमें 11 लाख 90 हजार रुपए से लेकर 13 लाख 10 हजार रुपए तक कमी का ऐलान किया गया। इसी तरह से होंडा ने 1 से लेकर 3 लाख रुपए तक कीमतें घटा दी हैं। जो होंडा सिटी का मैनुअल जो सबसे सादा वेरिएंट है उसके ऊपर 1 लाख रुपए की कमी हुई है और ये गाड़ी 46 लाख 99 हजार रुपए में मिल सकती है। और जो टोयोटा यारिस है वो गाड़ी जो है वो कीमत में फर्क के बाद 43 लाख 99 हजार रुपए में मिल सकती है, यानी 2 से 3 लाख रुपए का फर्क है इन दोनों गाड़ियों में। और यही गाड़ियां अगर आप 3 साल पीछे चले जाएं तो आपको 25 से 27 लाख रुपए के अंदर नई 0 मीटर गाड़ी मिला करती थी, और उस वक्त भी लोग ये कहते थे कि महंगी हो गई, क्योंकि वक्त के साथ साथ जब कीमतों में इजाफा हुआ तो 25 लाख रुपए में होंडा सिटी या फिर टोयोटा यारिस तो नई थी 3 साल पहले, लेकिन जो XLi करोला थी वो उस वक्त लोग ये समझते थे कि 25 से 27 लाख रुपए में भी इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और इस तरह से जो BRV है उसमें 2 लाख 30 हजार रुपये कीमत की गई है। जो सिविक का सादा वेरिएंट है मैनुअल उसमें 2 लाख 70 हजार रुपये, जबकि जो टर्बो वेरिएंट है टॉप वेरिएंट है उसमें 3 लाख रुपये कमी का ऐलान किया गया है। अब अगर हम मवाजना दें, MG ने भी जिस तरह कमी की 6 से 7 लाख रुपये गाड़ियों पर जो है वो अपनी कीमतों को कम किया है MG ने भी, अगर हम देखें कि ये कीमतें कब बढ़ी तो आपको हैरत होगी। अब सुजुकी ने अभी तक बाज़ाब्ते तौर पर ऐलान नहीं किया, प्लांट तो उन्होंने अपना शट किया है, लेकिन जो हैचबैक गाड़ियां हैं सुजुकी की, जिसमें ऑल्टो है, कल्टस है, वैगनार है, जो बड़ी अवामी सवारी समझी जाती है, उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। मिसाल के तौर पर अगर स्विफ्ट आपको कहे कि 50 लाख रुपये में आपको स्विफ्ट मिल रही है सुजुकी की, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कार लगती है। अगर कोई आपको कहे कि ऑल्टो आपको 30 लाख रुपए में मिल रही है तो ये भी इंतहाई महंगी गाड़ी लगती है अपने साइज के और फीचर्स के हिसाब से। अगर कल्टस और वैगनार की आप कीमतों का मवाजना करें तो ये भी बहुत ज़्यादा है। गुज़श्ता 3 सालों के अंदर ये तमाम तर तबाही आई है, और यही ऑल्टो जो 10 लाख रुपए में मिलती थी आज 30 लाख रुपए की मिल रही है, और तवक्को के मुताबिक 1 से 1.25 लाख रुपए अगर कीमत में कमी कर दी जाती है आने वाले चंद दिनों में तो ये बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। ये
ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं, आटे में नमक भी नहीं, बल्कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। अगर बहुत फर्क भी लेकर आना है तो आप 10 की ब्रैकेट को 15 लाख रुपए तक अगर लेकर जाएंगे तो फिर सार्फिन को कोई तसल्ली होगी। अभी किसी तौर भी सार्फिन इन कीमतों पर राजी नहीं। मिसाल के तौर पर मैं अगर कंपैरिजन करूं इंडिया और पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो जनाब जो सुजुकी स्विफ्ट आपको 45 से 50 लाख रुपए में मिल रही है वो इंडिया में 6 लाख रुपए की ब्रैकेट में है। इस तरह से जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है, अगर ये ताज़ा कीमतें जो मैंने आपके सामने रखी हैं फॉर्च्यूनर लेजेंडर की, वो 1 करोड़ और 90 लाख रुपए, और इंडिया में ये गाड़ी आपको 50 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिल रही है। जो टोयोटा कैमरी जो लग्जरी सेडान समझी जाती है वो अगर आपको 3.5 से 4 करोड़ की पाकिस्तान में मिल रही है तो महज 45 या 40 लाख रुपए की वो इंडिया में गाड़ी है। सुजुकी कल्टस जिसे हम यहाँ पर कल्टस कहते हैं और इंडिया में सैलैरियो के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर 5 लाख रुपए की आपको मिल सकती है, 7 लाख रुपए की मिल सकती है, और इस वक्त पाकिस्तान में उस गाड़ी की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए है। तो इतना ज़्यादा फर्क यारस इंडिया में सिर्फ 12 लाख रुपए की, यहाँ 50 लाख रुपए की। होंडा सिटी थर्ड जनरेशन जो कि वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यू हो चुकी, अब तो यहाँ पर भी डिसकॉन्टिन्यू हो गई है, वहाँ पर मिल रही थी हमें तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए की, यहां पर हमें मिलती रही है वो 35 से 38 लाख रुपए की। मुख्तलिफ वेरियंट्स और मॉडल्स में आपको पता है कि फर्क होता है। अगर हम देखें कि क्या इतना वाजे फर्क और इतनी ज्यादा प्राइस डिफरेंस क्यों है, तो इसमें चंद अहम फैक्टर्स हैं। तो लोकलाइज प्रोडक्शन नहीं है, दूसरे नंबर पर हाई टैक्सेशन जो यहां पर हुकूमत की जानिब से लगाया जा रहा है, और तमाम तरह इंपोर्ट मटीरियल पर जो टैक्सेशन है वो बुनियादी तौर पर वजह बना है गाड़ियों की गैर मामूली कीमतों का। और अगर इस तरह से कमी अब सुजुकी करती है, बाकी कंपनीज करती हैं, तो ये कमी तो वाकयातन ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि सुजुकी कल्टस या वैगनार अगर आपको 35 लाख रुपए की मिले, या अगर ऑल्टो आपको 28 से 30 लाख रुपए की मिले तो वो उसकी प्राइस जस्टिफाइड है, और अगर आपको होंडा सिटी जो कि एक सेडान कार है वो अगर आपको 50 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिले तो क्या वो उसकी प्राइस जस्टिफाई है, क्या उसके अंदर इतने फीचर्स हैं। और ये गाड़ियां जो SUVs हैं जिनके आपको पता है कि उस क्लास की तो SUVs ये नहीं है जिसमें फॉर्च्यूनर शामिल है, और जिस तरह से ये MG और जो दूसरी कंपनीज की अब आ रही हैं गाड़ियां, क्या इनकी कीमत करोड़ों रुपए में होनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि क्या इतना प्राइस डिफरेंस जस्टिफाइड है। अब आने वाले दिनों की हम बात कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। अब आपको बताया कि पाकिस्तान डॉलर को लेकर और डॉलर की प्राइसेस को लेकर हमारी जो स्टेट है वो बहुत संजीदा है, और स्टेट ने बड़े सख्त इकदाम भी उठाए हैं, जबी तो ये डॉलर की कीमतों में कमी का ऐलान हुआ है। अगर डॉलर मजीद नीचे आता है, जो कि मौशी तजियाकार कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, और अगले साल डॉलर की कीमत में इजाफा होगा, जबकि स्टेट बैंक की रिपोर्ट ये है कि डॉलर मुस्तहकम होगा, नीचे आएगा, और शराय नमू के हवाले से भी बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। अगर तो डॉलर नीचे आता है तो फिर इस तरह से मजीद कमी मुतवक्के है, लेकिन अगर डॉलर को एक मरतबा फिर जंप लग गया और ये कीमतें जो 1 लाख कम हुई हैं ये बढ़ेंगी 5-5 लाख रुपया, जिस तरह से इन कंपनीज ने माजी में पाकिस्तानियों के साथ किया है, और फिर गाड़ियों को उनकी कमी कीमतों में कमी की तवक्को करना या इंतज़ार करना वो कोई आसान काम नहीं है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार जरूर करें। रुखसान मेरे को कैपिटल वी लॉग से दे जा, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।